गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम निकले हैं एक रोड ट्रिप पे, सरप्राइज रोड ट्रिप। 6 घंटे का रास्ता है जो कि ये दिखा रहा है। हमने सोचा था 7 बजे निकलेंगे, तो 7:15 बजे हम निकले थे। तो होने वाली है बहुत ही एक्साइटिंग, होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी है। एज यू नो हम बैंगलोर में हैं, तो ये ट्रिप साउथ की रोड्स को कवर करेंगे। एक हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, चलो मैं इतनी हिंट दे देता हूँ। निकल गए भैया हाईवे पे, हम रिलैक्स होकर आराम से गाड़ी चलाएंगे स्पीड लिमिट में। लोग पहाड़ी इलाके पे जा रहे हैं, तो साउथ के पहाड़ मैंने अभी तक अच्छे से देखे नहीं, तो कैसा रहता है यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ की ड्राइविंग साउथ और साउथ के पहाड़ों की कैसी होती है। तक रोड्स को एंजॉय करते हैं, ड्राइव को एंजॉय करते हैं। चलो थोड़ा सा बता भी देते हैं, अभी हम जो रूट ले रहे हैं दिस इज़ टूवर्ड्स मैसूर। तो अभी हम फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि फिर नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी। लोगों को चलते चलते हो गया अराउंड 70 किलोमीटर्स, 1 घंटा हो गया हमें, अभी तक हमने कहीं पे ब्रेक नहीं लिया है। हालांकि हमने मेथी पराठे जो घर से बना के लाए थे वो हमने खा लिए हैं। यही नेशनल हाईवे 55 है ना, नेशनल हाईवे 150A। तो 150A है ये, 55 किलोमीटर लंबी है। कुछ कुछ खास हाईवे तो नहीं लग नहीं रही है, नेशनल हाईवे है ये, क्या पता आगे जाके बड़ी होती हो, थोड़ी सी बड़ी हुई है। चेन्नई, हाँ नेशनल हाईवे 150 लिखा हुआ अभी था। रोड की क्वालिटी तो ठीक ही लग रही है। एंड ऑफ हिस्टोरिकल टेंपल्स हम आ गए हैं नागा मंगला, और हाईवे भी इसी के साथ बड़ी हो रही है। थैंक यू सिटी ऑफ एंशियंट टेंपल्स। रोड थोड़ी छोटी हो गई ना, वैसे ये कुछ होता होगा, इतनी बड़ी लेक। वाव, बैलगाड़ी बैलगाड़ी। 150 किलोमीटर हमें हो गए हैं और 2 घंटे हो गए हैं चलते हुए। तो हम श्रीरंगापट्टनम, तो आ गए हम हेरिटेज सिटी ऑफ मैसूर, फाइनली एंटर कर लिया हमने श्रीरंगापट्टनम क्रॉस करते ही। क्या लग रहा है ये ब्रिज? ट्रेन का ब्रिज होगा, मेट्रो तो यहाँ है नहीं। टी टाइम हमारा स्टार्ट हो गया, गाड़ी चलाते चलाते हल्की हल्की चाय ग्रीन टी हो जाए। ये कुछ सर्कल है, कुछ टूरिस्ट प्लेस सी लग रही है ना, ये दशहरा एग्जीबिशन ग्राउंड है। अच्छा यहाँ पर होता है वो, ये रहा बैंगलोर पैलेस राइट पे। तो मैसूर हमने क्रॉस कर दिया है, अब हम फाइनली जा रहे हैं ऊटी की तरफ। जो कह रहा था हिल्स विल्स आएंगी, तो वो ऊटी की हिल्स होंगी जो आने वाली हैं। मैसूर बड़ा वीराना सा ही है, टोल गेट आ गया, ले ले केरला आ गया। बंदर, हेलो बंदर, डर रहे हैं बंदर बेचारे। पहुंच गए हम तमिलनाडु बॉर्डर। तो ये तमिलनाडु बॉर्डर जस्ट है, अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पर। हमने ई पास जो कल फिल किया था वो हम शो करके अंदर जाएंगे। तो ऐसे ही बिना पास की एंट्री नहीं है, आपको अपना फॉर्म फिल करके ही आना है ऑनलाइन, तभी आगे जाने देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आ रहे हैं तो फॉर्म फिल करें, वरना वो वापस भेज देंगे। फॉर्म फिल करवा के फिर ही आप आगे जा सकते हो। स्वैब टेस्ट होगा नीतू का, दोनों का होगा। अच्छा और पसंद, ये डियर्स और मिल गए, ये हमारी तरफ घूरता हुआ, ये देख रहा घूरता हुआ। हेलो, हाय डियर, बाय बाय। सिंगल ब्रिज, अरे इतने स्पीड से आए जा रहे भैया, हम नहीं आ रहे हैं। ये तो इनका फ्रेंड होगा ना, देखी है ना हमने जंगली मूवी, ऐसे वो छोटू बच्चा होता है, छोटू एलिफेंट फ्रेंड होता है। यहाँ पे इतने सारे डियर, जो लंगूर फ्रेंड्स हैं ये सारे। फाइनली भाई गाड़ी चला रहे हैं, लग तो ऐसे ही रहे। तो कैसा लग रहा है आपको गाड़ी चलाते हुए, फाइनली मौका मिला है आपको? हाँ, जब से निकले मैं तब से बोल रही हूँ कि मेरे को पहले चलाने दो, मेरे को पहले चलाने दो, फिर हिल्स में मेरे को मुश्किल होगी। लेकिन मैंने मुश्किल वाले ही रास्ते पे दिया है, और हर ट्रिप पे हमेशा यही होता है, क्योंकि खतरों से खेल के ही तो आगे बढ़ते हैं। सही बात है, सामने देखना क्लाउड्स, अब दिखे मुझे ये क्लाउड्स और जंगल, अब मजा आ रहा है। सीसीटीवी
इनकम्बेंट्स हैं ये सारे। माउंटेन बैंक मिस्ट सीरियसली हम बिल्कुल क्लाउड्स के बीच में भी आ रही है क्लाउड्स के बाहर यहाँ पे कैसा लगता होगा ना लोगों को सब ये वैली जैसी लग रही है ये ऊटी आ गया सुंदर तो लग रहा है हम लोग अंदर आ गए ये हमारे पिज्जा आ गए ये जगह फेमस है पिज्जा के लिए ट्राई करने वाली यहाँ का पिज्जा कैसे होता है का दिस इज अ पर्सनल थैंक यू ये यम्मी पिज्जा टेस्ट भी करें करो बहुत अच्छे से डाली हुई पीस इसमें तो चीज ही आई थी बल्कि ब्रेड तो आई नहीं अब ब्रेड आई है फुल मार्क्स नाउ आई नो कि क्यों फेमस है ये पिज्जा के लिए तो हमारा हो गया खाना खत्म जब हम वापस बाहर निकले हैं तो ऐसा क्लाउडी क्लाउडी हो गया मौसम बहुत ही जबरदस्त हो गया अचानक से चेंज हो गया पूरा हाँ पूरे क्लाउड्स आ गए सब मेरा कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस यहाँ का पिज्जा का एक्सपीरियंस अच्छा था टेस्टी पिज्जा था जो वेजीज और वो सब थी और चीज था कहीं पे कटौती नहीं थी कहीं पे अच्छे से कंजूसी नहीं करी थी तो हाईली रिकमेंडेड है ये प्लेस लोकेशन अपना वीडियो यहाँ पर आई होप यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो बाय बाय